हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो हम टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, मतलब बंगाल में दो सरकारों का शासन। अब दो सरकारों का शासन क्या होता है, ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है। एक्चुअली मुझे नहीं पता इसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बट ये सिंपल सी भाषा में मैंने कह दिया कि दो लोग जो हैं, दो गवर्नमेंट्स जो हैं वो रूल करते थे बंगाल पे, ठीक है। तो वो हमें पढ़ना है कि ये ड्यूल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट कब से कब तक रही थी। सो 1765 से 1772 से 72 तक जो है ड्यूल गवर्नमेंट बंगाल में रही थी, राइट। देखिए छोटा सा टॉपिक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं, काफी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, नोट्स मेकिंग भी आपकी हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इससे पहले मतलब बंगाल पर ब्रिटिशर्स ने कैसे विजय हासिल की वो हमने पढ़ा, ठीक है ना। उसके लिए युद्ध हुए। अब देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, पहली 1757 में हुई, दूसरी 1764 में हुई। तो जब बार बार युद्ध हुए और उसमें बार बार ब्रिटिशर्स जीते, उसके बाद में पूरा का पूरा कंट्रोल जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मर्चेंट्स के, उनके पास आ गया था, ठीक है। सो उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई, वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो उसके बाद क्या हुआ, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर्स ऑफ बंगाल। बंगाल के रियल मास्टर जिनके पास मैक्सिमम पावर आई वो बन गए ब्रिटिशर्स, ठीक है। इस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ये हम पढ़ेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक रहे, मैंने स्टार्ट कब से कब तक रहे, वो हम गवर्नर्स ऑफ बंगाल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये आइडिया किसका था, ये विचार किसका था, रॉबर्ट क्लाइव का। अब ड्यूल गवर्नमेंट क्या होता है, दैट इज द रूल ऑफ टू, दो लोग किसी एक एरिया में शासन करेंगे, वो होता है ड्यूल गवर्नमेंट। अब कौन है वो दो लोग, अब ऐसा नहीं है दो पर्सन हैं, ठीक है, दो ग्रुप है ऐसे। एक साइड आता है द कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की, दूसरी साइड पे आता है द नवाब ऑफ बंगाल। अब कैसे कैसे रूल करेंगे, अब देखिए वो हम पढ़ते हैं, तो अब इस ध्यान से सुनते जाइएगा, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब ऑफ बंगाल था, इन दोनों के पास आ गए रूलिंग पावर। अब जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास दो मेन फंक्शंस थे जो वो होल्ड करते थे, क्या क्या, दीवानी एंड निजामत। दीवानी क्या होता है, कलेक्टिंग रेवेन्यूज, सीधी भाषा में बोले तो कर वसूल करना, कि कोई रेंट दे रहा है, कोई किराए पर रह रहा है, उसका पैसा दे रहा है, तो वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था। दूसरी साइड पे बात करें निजामत फंक्शंस, निजामत फंक्शंस क्या होती है, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस, पुलिस से रिलेटेड जो भी क्रिमिनल कोई फंक्शन हुआ या न्याय से संबंधित कोई फंक्शन है, वो सारे काम भी ब्रिटिशर्स के पास में थे। अब जो दीवानी फंक्शंस हैं ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे, एक्वायर्ड इट फ्रॉम द एम्परर, एम्परर शाह आलम टू, उन्होंने उसे बैटल ऑफ बक्सर में हराया था, है ना, हमने पढ़ा ना, मीर कासिम थे नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर, है ना, शाह आलम टू। तो जब उनको हराया तो शाह आलम टू से इन्हें मिला दीवानी फंक्शंस, एंड फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, मीर कासिम, जब उनको हराया तो वहां से इन्हें मिला निजामत फंक्शंस। तो ये दोनों इन्होंने अपने अंडर रखे, ठीक है। नाउ अपॉइंटेड टू डिप्टी दीवान्स, अब ये दीवानी फंक्शंस जो हैं इनको यानी कर वसूल करना है, तो इसके लिए इन्होंने दो डिप्टी दीवान्स को हायर किया, अपॉइंट किया, कौन कौन, एक किया बंगाल एरिया के लिए, एक किया बिहार एरिया के लिए। बंगाल एरिया के लिए थे मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए थे राजा शितब रॉय, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ कंपनी के पास क्या फंक्शंस थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नवाब ऑफ बंगाल यानी जो बंगाल के नवाब थे उनके पास क्या क्या फंक्शंस थे। तो देखिए मेन फंक्शन पैसों का, सारा आर्मी का, वो सब कुछ इनके पास था। अब जो बंगाल का नवाब था उनके पास बचा, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, लोगों में शांति बने रहे, दंगे फसाद ना हो, कहीं पर लड़ाई ना हो, है ना, कोई अपराइजिंग ना हो, ये सारा काम संभालना नवाब का काम था। प्लस ही डिपेंडेड फॉर बोथ फंड्स एंड फोर्सेस अपॉन द कंपनी, पैसे चाहिए, आर्मी चाहिए, कोई भी फंड्स एंड फोर्सेस, दोनों चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, सॉरी वो डिपेंडेंट था ब्रिटिशर्स के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो एक तरह से सारी जो मेन पावर थी वो ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी, जो मेंटेनिंग का काम था, मेंटेनेंस का काम था, वो रह गया था नवाब ऑफ बंगाल के पास, ठीक है। अब देखिए इट लेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, अब प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब क्या है, देखिए नवाब के पास कोई पैसों की पावर तो रही नहीं, पैसा तो उसको मिलता नहीं था, है ना, तो
उन्होंने ढील देनी स्टार्ट कर दी कि अब क्या ही मेंटेन करना जब है ना सारा पैसों का काम ब्रिटिशर्स के पास है। तो नवाब ऑफ बंगाल ने ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया, ठीक है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है ठीक है। ब्रिटिशर्स को तो वैसे ही इंटरेस्ट नहीं था यहाँ के लोगों को अपहोल्ड करने में या यहाँ के लोगों की बढ़ोतरी हो, उनमें कुछ डेवलपमेंट हो यहाँ एरिया में, उस चीज में तो ब्रिटिशर्स को पहले ही इंटरेस्ट नहीं था। वो तो वैसे भी पैसों से ज्यादा खुश रहते थे, है ना, व्यापार करते थे, पैसे कमाते थे, अपने देश में ले जाके वहां पे लगाते थे, यहां से उनको बढ़िया पैसा मिल रहा था, तो वो यहाँ के लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हुआ विच प्रूव्ड डिजास्ट्रस फॉर द पीपल ऑफ बंगाल। अब बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़े डिजास्टर प्रूव हुई है ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है। नाउ नीदर द कंपनी नॉर द नवाब केयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला हो, कोई भलाई का काम किया जाए, इस चीज के लिए ना ही ब्रिटिशर्स ने सोचा ना ही नवाब ऑफ बंगाल ने सोचा, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 से 1772 तक रही थी। तो 1765 में कौन लाया था, किसने इंट्रोड्यूस की थी ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो अब आज ऐसा नहीं चल रहा है, मतलब किसी ने बंद भी किया वो सिस्टम, तो किसने किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स डिड अवे विद द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन 1772। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंद किया ये सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर हो जाएगा, तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो के साथ में देखें। अब देखिए, मुझे ना करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उस पर ऐसे व्यूज नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने में, आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स नहीं देखना चाहते हैं, आप मुझे बताएं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाना अपने चैनल पे बंद कर दूंगी, ठीक है। सो एक दो दिनों का टाइम है, मार्च मंथ के तो मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी, बट उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कोई और सब्जेक्ट पढ़ाऊं, इनके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स ही रेगुलर करूं आगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।